वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। आज का वीडियो है एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करेंगे हम डिक्की में। आज को हम लगाएंगे, कैसे फिट होता है ये बताएंगे। ये सारे पेच हैं इसके। आज डिक्की में लाइट लगा के बताते हैं लाइट कैसे लगाई जाती है। इसकी भी बताइए, ये देखो इसकी, इधर देखो लाइट लग रहा है। इसकी डिग्गी हमने निकाल ली है। ये ऑन ऑफ बटन है। कैसे कनेक्शन होगा ये भी बताएंगे इस वीडियो में आपको। इस जगह फिट करेंगे ये बटन, इस जगह फिट करेंगे हम। ये लाइट है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी 60 से 70 रुपए की। और ये एक स्विच मिल जाएगा आपको, ऑन ऑफ का। एक तार है, तार जो लाल वाला है ये सीधा लाल से लाल में जुड़ेगा। ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस का तार आपको यहाँ लगाना है। एक इस पर लगाएंगे और एक तार आप लगाएंगे माइनस का। इसको फिट करने के लिए ज़रा दो पेच ला। ये देखिए हल्का सुराग कर लेंगे तो आप उसके नट निकाल यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्विच में आते हैं एंकर के, जो घर के बोर्ड में स्विच में लगते हैं, उस नट का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। हाथ रहा इधर दिखा जरा। लगाई गलत है, एलईडी लाइट फिट कर दी, बस कनेक्शन करना है इसका। इसके दोनों स्क्रू भी टाइट कर दिए। इसका ऑन ऑफ बटन, इसका ये प्लस वाला था इधर है और माइनस वाला ऊपर निकाल दिया है। कनेक्शन हम यहाँ से करेंगे, कनेक्शन लेंगे भी हम यहाँ से, बता देंगे कैसे कनेक्शन होता है। अर्थिंग इसमें जोड़ेंगे, लाओ ये देखिए। अभी मैं नट कोई नहीं कसे इसके नट स्क्रू। ये तार हम यहाँ जोड़ देंगे इसको, इसमें अर्थिंग में, ये अर्थिंग में रहेगा यहाँ पे। एक तार ब्लैक वाला, एक तार हम मेन से कनेक्शन करेंगे इसको। डिक्की के सारे स्क्रू लगा देंगे। पेच कसनी मदद से हम इसे कस लेंगे। जैसे जैसे पेच खोले थे सारे सारे वैसे पेच कसने हैं वापस। उसके बाद अगला वीडियो हम बनाएंगे इसका लाइटर, चार्जर के बारे में। चार्जर का पोर्ट है, चार्जर इंस्टॉल कर बताएं कैसे इंस्टॉल होता है स्कूटी में। ये मेरी 3G गाड़ी है,
मैंने डिग्गी बाहर से परचेज करी है इसके लिए अलग से। इसके लिए मैंने नई डिग्गी ली है 4G की, क्योंकि 3G में पोर्ट नहीं होता ये। डिग्गी मैंने अलग से खरीदी है, ये चार्जिंग पोर्ट नहीं होता है इसके अंदर। डिग्गी मैंने वहाँ से खरीदी जहाँ एक्सीडेंट गाड़ियाँ आती हैं, अपनी वाली देख के मैंने ये डिग्गी खरीदी 500 रुपये में। फोर जी 3G में ये नहीं, यहाँ पे ऐसे पेपर रखने के लिए, तो आप सोचेंगे कि इसमें तो है, हम लोग की में है नहीं, क्योंकि ये हमने अलग से परचेज की है बस। आपको इसे 4 स्क्रू खोलने हैं और 3 नट हैं। ये देखिए दो पेच में लगाए इसके, यहाँ हेलमेट रखने के लिए, झोला रखने के लिए जो होता है। पल्ले नहीं बोलना, गाड़ी चलेगी तो आवाज़ करेगी। इसका कनेक्शन से तार जो लिया मैंने अभी आगे से बैटरी से लिया सीधे। अच्छे से टेपिंग कर दें। ये तार मैंने स्विच से लिया है, जब इसको ऑन करेंगे तभी डिग्गी की लाइट चालू होगी, वरना चालू नहीं होगी। चाबी से लिया है, चाबी से मैं लिया है मैंने इसको। वाला कहाँ है, क्या नाम है, क्या है? अब सीधा हम चलते हैं इसका बैटरी के पास, क्योंकि मेन कनेक्शन इसका बैटरी पे है। क्लिप जरूर लगा दें, इससे आपके वायर प्रोटेक्ट रहे। चलो अब इसको डिग्गी बंद करते हैं, आगे कनेक्शन तो माइनस वाला कनेक्शन होगा, देखिए कैसे होगा। अब आगे से आपको कनेक्शन दिखाएंगे कि मैंने जोड़ा कैसे तार है। चाबी लाओ, ये देखिए कनेक्शन हो गया। ये चाबी से चल रहा है, चाबी से मैं यहाँ से देखिए ये रहा। अब यहाँ से बंद कर देंगे तब लाइट बंद हो गई, अब यहाँ से खोलूँगा तो लाइट खुल जाएगी। इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चा कोई दबा देता है तो लाइट रात भर जलती रहेगा अगर डायरेक्ट जुड़ गई। अगर आप उसके चाबी से जोड़ते हैं इसका कनेक्शन, तो जैसे चाबी बंद हो जाएगी तो लाइट कोई जलेगी नहीं। आगे वाली लाइट में मैंने वैसे लगाई है, उसी से कनेक्शन होगा, दिखा दो आगे। जैसे हमने फॉग लाइट का वीडियो बनाया तो वैसे इसका कनेक्शन होगा। ये भी चाबी से ऑन होती है और बंद हो जाती है, ये देखिए दोनों कनेक्शन से चाबी से कर रखे हैं। तो कोई पूछ सकता है कनेक्शन कर रहे हो, भूल जाए तो मुझे इसी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं ये कनेक्शन कैसे होगा, मैं बता दूँगा आपको लाइन पर। अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये दोनों लाइट मैंने उसी एक ही कनेक्शन जोड़ा, दोनों लाइटें इसका कनेक्शन सेम है, दोनों का कनेक्शन सेम है, दोनों के तार एक ही में करके आप इस पर मैंने जैसे इस पर उसका कनेक्शन बताया है उसी कनेक्शन पर उसको भी जोड़ना है। हमेशा याद रखिएगा इस चाबी से ऑन ऑफ हो, चाबी खुलेगा अगर बैटरी से डायरेक्ट कर देंगे तो कोई बच्चा जलाएगा तो रात भर दिन भर से जलती रहेगी। चाबी से करें।